जल, भूमि, अग्नि, वायु। बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अवतार ढूंढ निकाला, एंग नाम का एक एयरबेंडर। हालांकि उसकी वायु सिद्धियां अद्भुत थी, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है। से बनी तलवार, जरा मुझे भी देखने दो। जल कबीले के लोगों का हथियार है, देखते हैं आसपास और कुछ मिलता है। क्या कोई चीज गुम गई है? नहीं, हमें कुछ मिला है। ये तो जला हुआ है। यहाँ युद्ध हुआ होगा। जल कबीले के योद्धाओं ने अग्निदेश वालों पर छिपकर हमला किया होगा। अग्निदेश के लोगों ने इसका मुकाबला किया, पर उन्हें खदेड़कर पहाड़ के इस पार ले गए। इसके बाद क्या हुआ होगा? पता नहीं, यहाँ आकर निशान खत्म हो जाता है। रुको, वो देखो। ये तो हमारी ही एक नाव है। क्या ये पिताजी की नाव है? नहीं, मगर उन्हीं के दल की नाव है। पिताजी यहाँ आए थे। देखो राजकुमार सुको, जरा देर आराम कर लेने से कितना सुकून मिला है तुमको। हट जाओ, हम एक बागी का पीछा कर रहे हैं। हमारे जहाज पर ऐसा कोई नहीं है। इसे तो लकवा हो गया है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जल्दी शहर उतर जाएगा, मगर तब तक ये जेल में होगा और मुझे अपने पैसे वापस मिल गए होंगे। तुम्हें कैसे पता वो यहाँ आकर छुपा है? मेरा शीर्षु लाखों मील दूर से भी चीजों की गंध सूंघ लेता है। कमाल की चीज है वाकई, कमाल की चीज। सोका, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं, तुम छोटे हो, युद्ध में जाने लायक नहीं हो, समझ गए ना? मैं ताकतवर हूँ, हिम्मती हूँ और मैं लड़ सकता हूँ। ले चलिए ना पिताजी। देखो बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जरूरत कहाँ पर है। इस वक्त तुम्हारा अपनी बहन के साथ रहना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन तुम समझ जाओगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कौन है वहाँ? सोका, तुम? बाटो? कौन है? बाटो? सोका, कटारा, तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। कितने बड़े हो गए हो। मैं हूँ एंग। पिताजी कहाँ हैं? क्या वो यही है? नहीं, वो दूसरे योद्धाओं को लेकर भूमि राज्य के पूर्वी हिस्से में गए हैं। यहाँ तो काफी ठंड है, चलो अंदर चलें। मेरे घायल होने पर तुम्हारे पिताजी मुझे यहाँ लेकर आ गए। तब से इन लोगों ने मेरी बहुत देखभाल की है। सुपीरियर, ये हकोड़ा के बच्चे हैं। ये लोग अवतार के साथ जा रहे हैं, मेरी नाव के पास मुझे मिल गए। नन्हे अवतार, आपके कदम यहाँ पर पड़े ये हमारा सौभाग्य है। आपका स्वागत है यहाँ पर। शुक्रिया, यहाँ आना मेरा भी सौभाग्य है। अगर मैं कुछ... इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? ये सभी लोग मरहम और इत्र बनाते हैं। इत्र तो हमें आपा पर छिड़कना चाहिए, उसमें से बदबू उतनी जो आती है। मैंने ठीक कहा ना? तुम अपने पिता की तरह मजाक किया हो। बाटो, ये तो बिल्कुल घर जैसा है। यहाँ तो सब कुछ है, ऐशो आराम की सब चीजें। हाँ, इस पर तो बहुत अच्छी नींद आती होगी ना?
वाह, ये तो मेरा मनपसंद खाना है। चख के देखो। पिताजी तो ये पूरा का पूरा खा जाते। बाटो, क्या आप और पिताजी ने मिलकर आर्कटिक हिप्पो को पकड़ लिया था? हाँ, तुम्हारे पिताजी की वजह से। उन्होंने मुझे खींच लिया और हमें गैंडे से मुकाबला करना पड़ा। मैं भी जानवरों की सवारी करता हूँ। जब मैं 3 साल का था तो मैंने एक विशाल। अच्छा, तो वो कहानी जरा हमें भी ठीक से सुनाइए ना। तुम्हें उसके बारे में पता है? सबको पता है। क्या थी वो कहानी? बहुत लंबी है, फिर कभी सुनना। पिताजी और आपने बहुत मजेदार कारनामे किए हैं। उस वक्त तो हमें अंदाजा भी नहीं था, लेकिन आज सोचते हैं तो बड़ा मजा आता है। सुनो एंग, उसे वापस रख दो, ये बहुत ऐतिहासिक और नाजुक चीज है। पिताजी ने, आपने ऑक्टोपस अपने सिर पर रख दिया था ताकि ग्रैंड ग्रैंड को लगे कि आप समुद्री प्रेत हैं। ऑक्टोपस को तुम्हारे पिताजी ने लपेट लिया था, मगर डरावनी आवाज मैंने निकाली थी। मेरे रास्ते से हट जाओ गंदे कहीं के। इसकी बात का बुरा मत मानना, तुम तो रोज नहाते होगे ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, तो तुम लोग हो गुस्से वाला लड़का और उसका सुस्त चाचा। तुमने मेरा जहाज तोड़ा है, तुम्हें भरपाई करनी होगी। हाँ जरूर करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे कम है। ये जाम मेरी तरफ से। मैं यहाँ तुमसे पैसे लेने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम किसी को ढूंढो। क्या हुआ, क्या तुम्हारी प्रेमिका किसी के साथ भाग गई? मैं किसी लड़की को नहीं ढूंढ रहा, उसके साथ सफर कर रहे लड़के को ढूंढ रहा हूँ। अजीब बात है। अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं समझूंगा कि जहाज तोड़ने की भरपाई तुमने कर दी। भूल जाओ, साथ में तुम्हारे वजन के बराबर सोना भी देंगे। अपने वजन के बराबर दो तो कोई बात बने। मिल जाएगा, आओ मेरे साथ। बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी के संदेश का इंतजार कर रहा हूँ। सच? कब आएंगे? कभी भी आ सकता है। जब वो कोई ठीक ठाक जगह खोज लेंगे तो मुझे संदेश भेजेंगे। अगर तुम संदेश के आने तक रुको तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा सकता हूँ। कितने साल हो गए हम पिताजी से नहीं मिले, देखना बहुत मजा आएगा। क्यों है ना कटारा? मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। पिताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो चुके हैं, है ना? बस उनका संदेश आता ही होगा, थोड़ा इंतजार करो। इंतजार तो कर सकते थे, मगर क्या करें, हमें एंग को लेकर उत्तरी ध्रुव पर जाना है। अगर संदेश आने तक हम रुक भी गए तो पता नहीं उनसे मिलने कितनी दूर जाना पड़े, और हमें एंग को उत्तरी ध्रुव ले जाना ही होगा। उम्मीद है तुम्हारे पिताजी इस बात को समझ जाएंगे। उन्हें इस बात पर गर्व होगा कि उनके बच्चे अवतार की मदद कर रहे हैं। यकीन नहीं होता मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैं जल कबीले के बाटों को खोज रहा हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ। ये संदेश उन्हें दे देना। ये तो सौका के पिताजी का भेजा नक्शा है। लो, मैं आ गया। मैं थोड़ी दूर तक चला गया था। एंग, तुम कब गए पता ही नहीं चला। पर अब तो आ गया हूँ। क्यों ना कुछ खा लिया जाए, बहुत भूख लगी है। क्या तुम लोग ताजा हवा खाने निकले हो? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। कहीं वो मेरी मियुकी तो नहीं? मियुकी, क्या तुमने फिर से अग्नि देश के लोगों को तंग किया है? अवतार यहीं से होकर गुजरा है, आगे चलते हैं। सुनो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, शर्म आनी चाहिए तुमको। बरामदे में गंदगी करते हो। माफ कीजिए, आइंदा नहीं करूंगा। ये जहाज मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे मेरे पिताजी ने बनवाया था।
क्या इसी से वो आपको बर्फ में नाव चलाने ले गए थे? हाँ, उस वक्त इस पर एक खरोश भी आ गई थी। तुम अपनी बताओ सोका, पहली बार तुम्हारे साथ भी कुछ तो यादगार हुआ ही होगा। नहीं, इसे मौका ही नहीं मिला। इसके बड़े होने से पहले ही पिताजी चले गए। ओह, मैं भूल गया था, ये तो बहुत ही छोटा था। ये किस्सा क्या है? जल कबीले के युवाओं को खुद को साबित करना पड़ता है। 14 साल के बाद उन्हें उनके पिताजी ले जाते हैं। आगे की बात तुम्हें पता चल ही जाएगी।